हाई एवरी वन आई लर्न में आपका स्वागत है आज हम चैप्टर फाइव का लैंग्वेज डिस्कस करने वाले हैं अगर आपने इसके पिछले पार्ट के वीडियोस नहीं देखे हैं तो टॉप राइट कॉर्नर पे उनके लिंक है उन्हें क्लिक करें और जरूर देखें बिफोर वी स्टार्ट अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें ऑल्सो प्रेस इट बेलाइकन ऑल राइट तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं एंड देखते हैं कि इसमें क्या बोला जा रहा है हेयर आर सम फ्रॉम द टेक्स्ट से विच ऑफ देम टेल यू दैट द ऑथर ए वॉज अ फ्रेड ऑफ़ द स्नैक बी वॉज प्राउड ऑफ इज अपियरेंस सी है सेंस ऑफ ह्यूमर डी वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ द स्नैक सो चार सीनारियोज हैं एंड इन सेंटेंसेज को देख के आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा सेंटेंस आपको कह रहा है कि ए ही वॉज अ फ्रेड ऑफ द स्नैक वो स्नेक से डरा हुआ है वो अपने अपीरियंस से अपने लुक्स से पे बहुत गर्व करता है बहुत प्राउड है दैट इज बी सी में कि वो सेंस ऑफ ह्यूमर दिखा रहे हैं

या एकदम स्टंड हो गया एंड नॉर्मली uh, हम इसे जब आपको डर लगता है तो उससे रिलेट करते थे न्यू यूज दिस सेंटेंस तो दिस वन इज डेफिनेटली वैन ही इज़ अफ्रेड ऑफ स्नेक सो इट्स ए आई वॉज नो माई इमेज कट इन ग्रेनाइट तो मैं ग्रेनाइट से बने बनी हुई एक मूर्ति या इमेज नहीं था तो इसका मतलब क्या है कि मैं स्टोन का नहीं रह गया आई वॉज नो लॉन्गर इमोबलाइज नो लॉन्गर स्टंट था तो इसका मतलब अब वो डरे हुए नहीं है स्नेक से तो इट्स डी द आर्म वॉज बिगनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ स्ट्रेंथ आर्म से जो है स्ट्रेंथ उनकी खत्म होती जा रही थी तो दिस वॉज बिकॉज ही वॉज स्नेक जो है उन्हें जकड़ रहा था वो एकदम डर की स्टेट में थे सो इट आई अफ्रेड ऑफ द स्नेक आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटल हार्ट द वर्ड ओ गॉड तो ये थोड़ा फनी वे में कहने की कोशिश कर रही है कि मैं इमेजिन कर रहा था कि मैं ब्राइट लेटर्स में अपने दिल के बाहर लिखूँ ओ oh गॉड तो भगवान को याद कर रहे थे सो इज ट्राइंग टू बी ह्यूमरस बट एट द सेम टाइम वो so, humorous, अपने डर को भी दर्शा रहे हैं कि वो डरे हुए थे सो इट शुड बी ए एंड सी आई डिंट ट्रम्बल आई डिट क्राई आउट मैं बिल्कुल भी घबराया नहीं मैं बिल्कुल भी चिल्लाया नहीं सो so, ये uh, उन्होंने तब बोला है जब वो बेसिकली डरे हुए थे वो एकदम डर के कारण फ्रीज हो गए थे सो so, वो सब कुछ सिमिलर यहाँ पे सेंटेंसेज हैं तो ये ही वॉज अफ्रेड ऑफ स्नेक आई लुक डिन टू द मिरर एंड स्माइल इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल तो वो मिरर में देख के आ, स्माइल कर रहे हैं और उन्हें अपनी स्माइल अट्रैक्टिव लग रही है खुद की स्माइल अट्रैक्टिव लग रही है सो ही इज़ प्राउड ऑफ हिज अपियरेंस आई वोज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड सो फाइनली उन्हें क्या फील होता है कि उनके अंदर जान आ गई है सो मेरी जान में जान आई सो आई वोज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड एंड आई कुड फील माई बॉडी i was no longer turned to stone so this is something he is no longer afraid of the snake i was after all a bachelor and a doctor on top of it so this is definitely he is proud of his appearance not exactly appearance uh, in this case but he was definitely proud of himself so

इस पूरे सिचुएशन में कॉमेडी सूझ रही है वॉज इज ट्राइंग टू मेक एन इंपॉर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग अस्ताश और यूजिंग आईशरा और और वेरिंग अवर मिलियन इज फोर हैड ये तब बोलते हैं जब सांप मिरर में देख रहा होता है एंड तब ऑथर सोचते हैं कि क्या वो भी वही इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा है कि उसे मुस्ताश उगाना चाहिए या मस्करा लगाना चाहिए या सिंदूर लगाना चाहिए अपने फोर में समथिंग लाइक like जो ऑथर uh, सोच रहे थे अपने लुक्स के बारे में

ये एक्सप्रेशंस uh, यूज करने हैं जिससे आप फियर दर्शाते हो कि आपको डर लग रहा है कैन यू फाइंड एक्सप्रेशन इन द स्टोरी दैट टेल यू दैट द ऑथर वॉज फ्राइट एंड रीड द स्टोरी इन कंप्लीट देंटेंसेज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज सो आपको एक्सप्रेशन ढूंढने बहुत ही सिंपल है आई वॉज टर्न अगर आप ढूंढेंगे तो जो भी सेंटेंस है वो आपको यहाँ लिखना है सो आई वॉज टर्न टू स्टोन सो आई वॉज टर्न टू स्टोन एज आई सेट का मतलब यही है कि आई एम फ्राइट एंड आई एम स्टर्न आई सैट द होल्डिंग माई ब्रेथ तो सांस रोक के मैं खड़ा रहा सो so, ये जो भी ऐसे सिचुएशन जब आप कहते हैं कि आप कम्प्लीटली मोशन लेस हो चुके हैं दोज आर सिचुएशन यू ट्राई टू से कि मैं पूरा भौचक्का हो गया मैं हिल भी नहीं पा रहा था दीज आर समथिंग यू ट्राई टू शो फियर इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सैट दे लाइक स्टोन इमेज इन द फ्लैश तो तीनों में क्या कॉमन है आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि आप पूरे पत्थर की मूर्त बन गए हो या आप सांस लेना बंद कर चुके हो समथिंग कि आप कंप्लीटली इन हो गए हो मोशनलेस हो गया सो दीज आर समथिंग यू से कि मैं इतना डर गया था कि मैं एकदम भी हिल नहीं पा रहा था इन द सेंटेंसिस गिवन बिलो सम वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन आर इटालीसाइज्ड दे आर वेरियसली मीन दैट वन आई थिंक आपके इस सेंटेंस में कुछ गड़बड़ है दे वेरियसली मीन दैट वन इज फ्राइटेंड इज टू स्केट टू मूव इज फ्राइटेड बाई सम दैट हैपन सडनली मेक्स अनदर फील फ्राइटेंड सो so, कुछ सेंटेंसेस दिए हैं वहाँ पे कुछ वर्ड्स uh, जो हैं इटलीसाइज्ड हैं एंड इनका मीनिंग इनमें से कुछ हो सकता है कुछ और भी हो सकता है नो डाउट बट इनमें से कुछ एक पॉसिबल है डैट इज़ समी इज़ वेरी फ्राइटेंड बहुत ज़्यादा डरा हुआ है टू स्केट टू मूव इतना ज़्यादा डरा हुआ है कि हिल भी नहीं पा पार इज समथिंग जो हम देख चुके हैं टू टर्न टू स्टोन एट्सट्रा इज़ फ्राइटेंड बाय समथिंग दैट हैपन सडनली या इतना ज़्यादा डर गए कि इस चीज़ से लेकिन वो डर जो हुआ है उन, उनके अंदर वो एकदम से हुआ है सो so बेसिकली अगर आप कभी किसी को प्रांग करते हैं पीछे से जाके एकदम से तेज से चिल्ला देते हैं तो दैट इज़ किसी को डराना बट एकदम सडनली डराना सो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकेंड वन फर्स्ट वन इज़ वेरी फ्राइटन बहुत ज़्यादा डर गए आप सेकेंड वन में इतने डर गए हैं कि आप हिल नहीं पा रहे थर्ड में आप बहुत सडनली किसी ने आपको डरा दिया

फ्राइटेड बाई समली किसी ने डरा दिया आपको तो आई गॉट ए फ्राइट तो दैट मीन्स आप किसी से सडनली डर गए नियरली जम्प आउट ऑफ ए स्किन सो नियरली जम्प आउट ऑफ द स्किन यानी बहुत ज्यादा डर गए थे वो एंड वाई इज इट नॉट सडनली बिकॉज ही इज सींग दुल कमिंग टू वर्ड्स है मतलब आपके सामने से एक बैल दौड़ के आ रहा है तो इट इज़ नॉट सडन यू कैन सी की सामने से कोई चीज़ आ रही है आपके पास समय भी है बट स्टिल उस सीन से आप बहुत ज़्यादा डर गए नियरली जम्प आउट ऑफ माई स्किन तो दैट मीन्स यू आर वेरी वेरी स्कैड एंड इट कैन ऑल्सो भी समथिंग लाइक टू स्कैड टू मूव बट आई थिंक इन मोर अप्रोप्रिएट इज आई एम वेरी फ्राइट एंड नियरली जम्प आउट ऑफ द स्किन का क्लियरली मीनिंग ये होता है गेव मी अ फ्राइट गेव मी अ फ्राइट इज समथिंग लाइक गॉट अ फ्राइट वैन यू क्रैप्ट अपहाइंड मी लाइक दैट सो यहाँ पे क्लियरली बताया भी है कि कोई पीछे से चुपके से आया सो क्रीप अप करना है चुपके से पीछे से आना तो पीछे से तुम एकदम से आए तो मेरे मेरे को एकदम से डर लग गया सो दैट इज़ समथिंग लाइक यू फ्राइटन बाय समथिंग दैट हैपन सडनली वेट अंटिल आई टेल हि स्टोरी इट विल मेक यू है स्टैंड ऑन एंड तो मुझे उसकी स्टोरी बताने दो वेट करो मैं उसकी स्टोरी बताता हूँ उससे तुम्हारे रोंग टिक खड़े हो जाएंगे सो योर हेयर स्टैंड ऑन एंड इसका मतलब यू विल मेक अनदर फील फ्राइट एंड जिसको आप डरा रहे हो ऐसी घोस्ट स्टोरी सुना रहे हो लेट्स से पैरालाइज विद फियर सो पैरालाइज बोला गया इसका मतलब मोशनलेस हो गया सो इट्स क्लियरली टू स्केयर टू मूव एंड नॉट मूविंग अ मसल नॉट मूविंग अ मसल यानी आपके मोशन बंद हो गए हैं दैट इज टू स्केयर टू मूव रिपोर्टेड क्वेश्चन स्टडी दीज सेंटेंसेज हिज फ्रेंड आस्ट डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर His friend asked the doctor whether or if he had seen the snake the next day. Now यहाँ पे क्या हो रहा है uh, these are something like reported speech and reported speech में यहाँ पे आपको reported questions है मतलब यहाँ पे questions दिए गए हैं ना आपको उसको reported speech में लिखना है ना यहाँ पे क्या होता है एक है event that first one is the actual event कि उसके friend ने उसे पूछा एंड यू से वॉट एवर ही हैज़ सीन एज इट इज़ इसको समहा समटाइम्स वी कॉल कॉल इट पैराफ्रेजिंग सो किसी ने जैसे बोला एग्जैक्टली exactly वैसे जब आप बोलते हो उसी की भाषा में सो दैट यू पुट इट इन कोटेशंस तो उसने एग्जैक्टली exactly वैसे बोला है बट वेन यू ट्राई टू रिपोर्ट दिस कि किसी ने उसके फ्रेंड ने डॉक्टर से पूछा सो वैन यू आर ट्राइंग टू रिपोर्ट दिस कि उसने ऐसा पूछा था तो इन दैट आप में कुछ रूल्स होते हैं देर आर सम रूल्स रूल्स क्या होते हैं कि नॉर्मली जो भी प्रेजेंट में होता है वो पास्ट में चला जाता है बट यहाँ पे व्हाट यू विल सी कि जो भी सारे सेंटेंसेस हैं और इवन इन दिस सेंटेंस यहाँ पे वो पास्ट पास्ट में कुछ हो रही है कि नहीं उसके बारे में पूछ रहा है सो दिस इट इज अ फॉर्म ऑफ सिंपल पास्ट एंड नॉर्मली जब आप सिंपल पास्ट में रहते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट बन जाता है एंड नॉर्मली पास्ट परफेक्ट टेंस को आई ट्राई टू शो सम लाइक दिस कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रजेंट टेंस में हैं एंड आपको कोई इवेंट आप पास्ट की बात कर रहे हैं सो दिस इज़ समथिंग लाइक दिस सो दिस इज़ प्रेजेंट एंड आप कुछ पास्ट इवेंट की बात कर रहे हैं बट कोई इवेंट अगर ऑलरेडी पास्ट में हो रहा है सो दिस इज सिंपल प्रेजेंट अगर आप सिंपल प्रजेंट में हैं करेंट है एंड आप किसी को बोल रहे हैं कि आई डिड दिस येस्टरडे तो आप पास्ट इवेंट को बता रहे हैं सो दिस इज सिंपल पास्ट यूज़ कर रहे हैं आप बट अगर आप किसी पास्ट इवेंट में ऑलरेडी हैं सो फर्स्ट सेंटेंस में क्या हो रहा है हिज फ्रेंड आस्ट उसके फ्रेंड ने पूछा था मतलब ऑलरेडी आप किसी पास्ट इवेंट को बता रहे हैं बताया जा रहा है हैं पे तो जब आप किसी पास्ट इवेंट को रिपोर्ट करते हैं तो इस पास्ट इवेंट में अगर आप फॉर एग्जांपल टाइम ट्रैवल करके यहाँ पे पहुँच जाए एंड आपका ये प्रेजेंट बन जाएगा तो इस इवेंट में अगर किसी पास्ट की बात हो रही है दैट मीन्स इट इज़ फर्दर बिहाइंड टाइम में तो अभी आप यू आर एनी रिपोर्टिंग इट राइट नाउ आप हमेशा प्रेजेंट सिनेरियो में रह के रिपोर्ट करते हैं देन आपके लिए क्या बन जाता है ये पास्ट परफेक्ट सो एनीथिंग विच इज़ मच फारदर अहेड देन पास्ट दैट इज पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करके आप बताना चाहते हैं कि ये इट इज़ फर्दर बिहाइंड इन टाइम लाइन दिस इज़ वन वे आप इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर रिपोर्ट अगर आपको किसी इवेंट को रिपोर्ट करना है जो पास्ट में हुआ है आप हमेशा रिपोर्ट चीज़ें प्रेजेंट में करते हैं तो आपके लिए जो इवेंट पास्ट में हुआ था अगर वो इवेंट भी पास्ट को रेफर कर रहा है फर्दर पास्ट तो आपके प्रेजेंट के लिए जब आप उस चीज़ को रिपोर्ट करें विच विल बी योर दिस सेंटेंस वो आपके लिए पास परफेक्ट बन जाएगा अगर आपको अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो लेटेस्ट सी दिस एग्जाम्पल आपको शायद थोड़ा क्लियर हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो रहा था जो इवेंट हुआ है हिज फ्रेंड आस्ट उस फ्रेंड ने पूछा उसको कुछ दैट इज द इवेंट तो हिज फ्रेंड आस्ट क्या पूछा डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसके फ्रेंड ने यहाँ पे लिखा नहीं आज द डॉक्टर यहाँ पे उसको रेफ़र कर दिया उसका नाम ले लिया या उसको किसी चीज़ से बुला दिया तो आपको पता चल गया यहाँ पे किससे बातें हो रही तो यू कैन यूज़ दिस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप लिख सकते हैं आज द डॉक्टर ये थोड़ा सा ट्रिकी है सेंटेंस नॉर्मली इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं बट यहाँ पे ये यह है तो आप इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके सिंपली यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं कि हिज फ्रेंड आज द डॉक्टर बट इस पार्ट को भूल जाए आप ठीक है गेट द डॉक्टर पार्ट लेट्स फोकस ऑन डिड यू सी द स्नेक दिड यू सी जब इस तरह से क्वेश्चन होते हैं एंड ये क्वेश्चन yes no है क्या तुमने देखा था तो so, इस तरह के ये और नो क्वेश्चन में आप हमेशा वेदर और एफ लगाते हैं दिस इज वॉट यू यूज इन रिपोर्टेड स्पीच वेदर और एफ इस चीज को डिनोट करता है कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको सबसे पहले आप एक सेंटेंस में कन्वर्ट करते हो तो डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे को आप क्या लिखोगे आप अपने मेंटल वर्क कर सकते हो फॉर एग्जांपल सो यू सॉ द स्नेक तो अगर मान लीजिए डिड यू की जगह अगर आप किसी को इस तरह से क्वेश्चन पूछना है तो आप कैसे पूछेंगे यू सॉ द स्नेक द नेक्स्ट डे दिस इज ऑल्सो करेक्ट वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन राइट इस तरह से हम डे टू डे लैंग्वेज में बात करते हैं तो आप डिड यू ये सब डू डोंट डज ये सब को हटा के यू कैन सिंप्लीफाई द सेंटेंस एज इफ इट इज़ नॉन नॉन इंटरोगेटिव सेंटेंस तो आप इसको क्या करोगे यू सॉ द स्नेक एक्सटे कर दोगे नाउ ये पास्ट में चीजें पूछी जा रही हैं पास्ट के लिए पूछी जा रही हैं ये इवेंट पास्ट में हो रहा है एंड उस पास्ट इवेंट में कोई पर्सन पास्ट इवेंट को रेफर कर रहा है तो दिस इज समथिंग लाइक दिस पास्ट में इवेंट हो रही है एंड वो किसी उस रेफरेंस है और पास्ट को रेफर कर रहा है तो ये क्या बन जाएगा पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में वो क्या बन जाएगा सौ का हैड सीन तो समझाओ आपको हैड सीन यूज करना है नाउ व्हेन यू हैव टू यूज हैड सीन तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि इफ यू हैड सीन द स्नेक द नेक्स्ट डे बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि आप थर्ड पर्सन है तो यहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे फ्रेंड है डॉक्टर है एंड आप है आप एक रिपोर्टर है न्यूज़ रिपोर्टर आप बता रहे हैं कि एक फ्रेंड ने डॉक्टर से पूछा तो आप फिर यू नहीं लगाएंगे बिकॉज यहाँ फ्रेंड और डॉक्टर आपस में बातें नहीं कर रहे हैं आप उनकी बातें बता रहे हैं तो यू क्या बन जाएगा यू किसको रेफर कर रहे हैं आप यू रेफर कर रहा है उस डॉक्टर को तो डॉक्टर की जगह हम क्या लगा देंगे ही सो इफ ही हैड सीन द नीक द नेक्स्ट डे अगर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेट मी नो इन द कमेंट्स प्रोबेबलीट से इन द एंड ऑफ द एक्सरसाइज अगर फिर भी आपको क्लियर नहीं है तो आप कमेंट्स में लिखिए वी कैन मे बी हैव अ डिटेल्ड एक्सरसाइज और वीडियो अबाउट दिस बट लेट सी बट लेट्स मोर एग्जाम्पल्स है जिससे आपको और क्लियर हो जाए सेकेंड एग्जाम्पल में है द लिटिल गर्ल वंडर्ड विल आई बी होम बिफोर द टी वी शो विक्स तो लिटिल गर्ल वंडर्ड यानी ये पास्ट इवेंट ऑलरेडी है सो द लिटिल गर्ल वंडर्ड नाउ विल आई बी होम बिफोर द टीवी शो बिगिन क्या मैं घर पहुंच जाऊंगी टीवी शो स्टार्ट होने से पहले तो ये असर नो क्वेश्चन है तो सिंपली आप इफ या वेदर यूज कर सकते हैं दोनों दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं सो वंडर्ड इफ नाउ विल आई बी होम बिफोर द टीवी शो बिगिन्स को आप क्या लिखेंगे आई विल बी होम बिफोर द टीवी शो नाउ नॉर्मली जो भी विल होता है शैल होता है इसका आप क्या कर देते हो विल शैल का वुड शूट कर देते हो तो आई जो है लिटल अपने बारे में बोल रही थी तो आई विल बिकम शी क्योंकि आप रिपोर्ट कर रहे हैं आई विल बी होम की जगह क्या हो जाएगा शी वुड बी होम बिफोर द टी वी शो बिगिन की जगह क्या हो जाएगा बिगैन बिकॉज आप प्रेजेंट को पास्ट कर रहे हैं एंड विल शैल को शूट कर रहे हैं सो कि आप हर चीज को पास्ट में डिनोट करें रहे हैं समवन आस्ट वाई हैज द थीफ लेफ्ट द वेस्ट बिहाइंड किसी ने पूछा कि क्यों थीफ ने ये बनियान पीछे छोड़ दी तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं वाई वेन वेयर हाउ विच वॉट इस तरह के जब भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप क्या करते हो इफ़ वेदर आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है आप सिंपली इन्हीं का यूज़ कर सकते हो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए कैसे सवन सवनास्ट वाई एंड सिंपली आपको क्या करना है इस एलिमेंट को हटा के एक सिंपल सा सेंटेंस बना देना है सो हैज़ द थीफ कीजिएगा द थीफ हैज़ लेफ्ट द वेस्ट बिहाइंड सो वाई द थीफ हैड लेफ्ट द वेस्ट behind बिकॉज हैज की जगह सिंपल past की जगह तो हमेशा आपको एक स्टेप पीछे जाते जाना है तो प्रेजेंट से आप जाओगे पास्ट पास्ट से आप पीछे जाओगे पास्ट परफेक्ट पास्ट से परफेक्ट जाने का लॉजिक मैंने आपको समझा दिया था एंड प्रेजेंट से पास्ट जाने का लॉजिक क्लियर है कि आप प्रेजेंट में कोई पास्ट इवेंट बता रहे हो तो आप पास्ट में ही बताओगे तो यहाँ पे वही चीज़ आपको बताने की कोशिश की जा रही है रिपोर्टिंग वर्ब्स वी यूज इन क्वेश्चन विदर वाई वन एक्सेट्रा आर आस्क इंक्वायर एंड वंडर तो यहाँ पे आपको ये जो वर्ब्स होते हैं इनको आप रिपोर्टिंग वर्ब्स कहते हैं एंड इस तरह के बहुत सारे रिपोर्टिंग वर्ब्स इन फैक्ट होते हैं देर आर मेनी मेनी रिपोर्टिंग वर्ब्स बट क्वेश्चन पूछने के लिए आस्ट होता है इंक्वायर होता है वंडर होता है तो इस तरह के रिपोर्टिंग वर्ब से मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है रिमेंबर दैट इन रिपोर्टेड स्पीच द प्रेजेंट टेंस टेंस चेंजेस टू ये हम बता चुके हैं हियर टुडे टुमारो यस्टरडे ये एक्सेट्रा चेंज टू देयर दैट डे द नेक्स्ट डे द डे बिफोर एक्सेट्रा ये भी एक रूल होता है कि हियर तो जब भी दो लोग बात कर रहे थे लेट्स से एंड उनकी बातें आपने सुनी और आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो उनके लिए जो हियर है वो आपके लिए देयर होगा बिकॉज आप उस प्लेस पे नहीं हैं आप कहीं और जाके किसी को चीजें बता रहे हैं तो अगर किसी ने बोला होगा यहाँ पे मैंने ये फसल उगती हुई देखी तो आप क्या बोलेंगे वहाँ पे उसने फसल उगते हुए देखी तो आपके लिए उसका जो यहाँ था वो आपके लिए डेफिनेटली वहाँ हो जाएगा तो ये सिंपल लेट्स से कॉमन सेंस है तो हियर का देयर हो जाएगा टुडे जो चीज़ उसके लिए आज का दिन है वो आप जब रिपोर्ट करेंगे इट्स नॉट नेसेसरी इज़ द सेम डे तो आप उसको डैट डे कर देंगे टुमारो द नेक्स्ट डे हो जाएगा एंड यस्टरडे द डे बिफोर हो जाएगा बिकॉज एक दिन पहले कल की जगह आप क्या बोलेंगे एक दिन पहले बिकॉज अगेन वो जो दिन रेफर कर रहा था वो ज़रूरी नहीं है वो कल का ही दिन हो बिकॉज आप इस चीज़ को रिपोर्ट कभी भी कर सकते हैं एक दिन के बाद आप देखते हैं न्यूज़ रिपोर्ट कभी कभी हफ्तों बाद आती है तो ऑफकोर्स इट नो वॉन्ट मेक सेंस कि बोले कि कल ये हुआ था अरे कल नहीं हुआ था आप एक हफ्ते बाद रिपोर्ट करें मतलब एक दिन पहले उस इवेंट के एक दिन पहले हुआ था आई यू किस में चेंज हो जाएगा मी हिम ही एज नेसेसरी तो ऑब्वियसली अगर कोई अपने बारे में बात कर रहा है एंड आप उसके बारे में बात कर रहे हैं तो आप आई नहीं लगाओगे आप बोलोगे वो तो इट इज़ ऑल्सो कॉमन सेंस अगर आप फॉलो करेंगे लॉजिक तो आपको ये सब याद करने की भी जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में शायद आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो बट ये क्लियर होता जाएगा फॉर एग्जाम्पल ही सेट टू मी आई डोंट बिलीव यू ही सेट ही डिड नॉट बिलीव मी तो यहाँ पे जो रिपोर्ट कर रहा है वो ऑलरेडी दो पर्सन में से एक है राइट right? तो आपको ही किसी ने कुछ कहा एंड आप ही रिपोर्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये जो पर्सन है वो सेम है तो यहाँ पे क्या हो रहा है ही सेट टू मी आई डोंट बिलीव यू उसने मुझसे कहा मैं तुम पे विश्वास नहीं करता हूँ तो जब आप किसी और को बोलेंगे तो आप कैसे बोलेंगे कि ही सेट उसने क्या कहा कि वो मुझ पर विश्वास नहीं करता है तो so इसीलिए ये हटा दिया ही सेट ही डिड नॉट बिलीव मी सो दिस इज़ सफिशियन नहीं तो अगर आप बोलते ही सेट टू मी दैट ही डिड नॉट बिलीव मी रिडनडेंट हो जाता तो उसको कट शॉर्ट करने के लिए आप सिंपली कह रहे हैं ही सेट ही डिड नॉट बिलीव मी तो आई की जगह ही हो गया एंड यू इज नो बडी एल्स मी शी सेट टू हिम आई डोंट बिलीव यू सो नॉर्मली क्या होता है जब भी सेट टू होता है तो वो हमेशा टोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने टू मी को हटाई दिया है आप क्योंकि इट इज़ वेरी मच ऑबियस रिडनडेंट हो जाता क्योंकि आप दो बार मी यूज करते हैं तो वहां पे आपने स्किप कर दिया तो सेट का सेट ही रह गया यहाँ पे सेट टू का क्या हो गया टोल्ड हो गया तो शी टोल्ड हिम दैट शी डिड नॉट बिलीव हिम तो अगर फर्स्ट सेंटेंस में आप इस तरह से रिडेंडेंसी लाने की कोशिश करते रिडेंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन करते हैं तो ही टोल्ड मी दैट ही डिड नॉट बिलीव मी ये ये एक ऑल्टरनेट तरीका था लिखने का बट इससे अच्छा क्या था ये सब हटा के ही सेट ही डिड नॉट बिलीव मी बिकॉज इट इज़ ऑब्वियस कि वो आपसे ही बात कर रहा है बट यहाँ पे इट इज़ नॉट दैट ऑबियस है ना यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि वो उससे कह रही थी कि वो उस पर विश्वास नहीं करती है तो वो उससे कह रही थी बताना ज़रूरी है बिकॉज वो आपसे भी कह सकती है लट से तो आ, यहाँ पे जरूरी नहीं था इसलिए वो टूम ही हट गया तो वो सेट का सेट रह गया यहाँ पर बताना ज़रूरी था इसलिए सेट टू का टोल्ड हो गया बस यही डिफरेंस है इसलिए आप कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है

यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस करना है कि यू विल गो दिस समर का क्या होगा यू uh, की जगह आप क्या प्रोनाउन लगाएंगे राइट तो यू की जगह या तो आएगा ही या तो आएगा शी राइट दे क्यों आया तो so, यहाँ पे दे आप मल्टीपल लोगों को रेफर करने के लिए यूज नहीं कर रहे या डेविड और उसके कलीग को साथ में रेफर करने के लिए यूज नहीं कर रहे दे का इस्तेमाल आप जेंडर न्यूट्रल रहने के लिए कर रहे हैं सो दिस इज ऑल्सो अ वे इनफैक्ट दे का इस्तेमाल जरूरी नहीं है प्लूरल के लिए किया जाए दे का इस्तेमाल आप जेंडर न्यूट्रल रहने के लिए भी कर सकते हैं इन सिचुएशंस वेयर यू डोंट नो द पर्सन इज ही और शी और यू डोंट वांट टू जनरलाइज इनटू अ मेल और फीमेल यू जस्ट वांट टू से कि कोई भी उस पोजीशन पे हो दे कैन बी एनी बडीज फॉर एग्जाम्पल यू से आई डोंट केयर हु दी ओनर ऑफ द कंपनी दे कैन बी एनी आई स्टिल डोंट हेजिटेट टू टॉक टू दैम तो आप क्या कह रहे हैं कि मुझे फरवा नहीं है कि इस कंपनी के ओनर कौन है वो कोई भी हो सकते हैं सो यू से वो कोई भी हो सकते हैं तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे ही कैन बी एनी बडी और ही और शी कैन बी एनी बडी तो आपने ये सुना होगा कि नॉर्मली बोलते ही और शी ये भी एक तरीका होता है बट राधर देर इज अनादर नाइस वे ये सब दे लगाते हैं एंड इट इज अंडरस्टूड कि ये जेंडरल न्यूट्रल है मतलब दे मतलब वी आई डोंट नो हू दैट पर्सन इज व ही और शी बट हुट इज दे विल टेक केयर सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब वो कलीग बोल रहे हैं तो कलीग हमें अभी इंफॉर्मेशन नहीं है सेंटेंस से वेदर उनका जेंडर क्या है तो वी वुड रिप्लेस इट विद दे ठीक है सो यू रिप्लेस हो गया दे वुड गो दैट समिस का हो गया दैट एंड विल का हो गया वु लिटल बॉय वाई आर यू स्टडी इंग इंग्लिश ही आज द लिटिल बॉय वाई ही बिकॉज यू यहाँ पे कौन है लिटिल बॉय ही वॉज स्टडी इंग्लिश तो यहाँ पे क्या हो गया प्रेजेंट जो है सिंपल पास में कन्वर्ट हो गया शी आज मी वैन आर वी गोइंग टू लीव शी आन वी वर गोइंग टू लीव प्रानी न्यूज पेपर प्रान आस्टमी इफ आई है न्यूज पेपर तो यहाँ पे प्रान आस्ट न्यूज पेपर भी चलेगा बिकॉज इट्स प्रटिक्लियर की वो आपसे पूछ रहे हैं सीमा आज हाउ लॉन्ग है चिल्ड्रेन आर यू रेडी टू डू द वर्क शीला क्या हो जाएगा दे फॉर द चिल्ड्रेन सो यहाँ पे जो दे यूज कर रहे हैं हम दैट इज फॉर द प्लूरल सो यहाँ पे इट्स नॉट फॉर द जनरल न्यूट्रल केस इट इज फॉर द प्लूरल केस सो इफ दे वर रेडी टू डू द वर्क थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल्लो को क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबाकर कर सकते हैं इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचें इस चैप्टर के अगले वीडियो के लिए स्टेट्यून बाय